हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन टेल। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने आए हैं एक ऐसा मैजिकल सॉन्ग लेके, जिसको लोग महीनों, सालों नहीं, सदियों तक याद रखेंगे। वो एवर ग्रीन सॉन्ग है और वो मेरे फेवरेट सॉन्ग में से एक है। अब ये कहूँ, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। और जब ये सॉन्ग आया था तब उस कैंप में यूट्यूब पे नहीं थी, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। बट मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं ख़ुद को रोक नहीं पाई इस पे रिएक्शन देने से। और ये एक ऐसा सॉन्ग है कि उसको आप जितना भी सुनो, चाहे उसको एक बार सुनो, दो बार, तीन बार, चार बार, चाहे आप 10 बार सुन लो, लेकिन फिर से अगर आप सुनो तो वो हमेशा हमेशा लगता है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। उसका इमोशंस, फीलिंग, सारी चीज़ें लगता ही नहीं कि आपने इतनी बार सॉन्ग सुन लिया है। तो मुझे वो इतना अच्छा लगता है और वो मेरे दिल के इतने करीब है, क्योंकि उससे रिलेट इंसान कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे उससे रिलेट कर सकता है। तो आपने टाइटल देख के तो समझ लिया होगा कि किस पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। तो मैं कहानी सुनो 2.0 पे रिएक्शन देने वाली हूँ, जो कैफी खलील का सॉन्ग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इतने खूबसूरत सॉन्ग को चलिए सुनते हैं। इकरार हुआ था जाएं, तेरी ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम्ही हो, तुम्ही इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। इस सॉन्ग को सुन के मैं हमेशा स्पीचलेस रह जाती हूँ। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं रहते कि मैं इसको क्या बोलूं। मतलब इस सॉन्ग को इंसान देख के हंस भी नहीं सकता है। और एकदम अगर आप शांति से बैठ के सुनो तो इस सॉन्ग में इन्होंने अपना पूरा दर्द डाल दिया है, ठीक है। तो ये जब सॉन्ग रिलीज़ हुआ तब से ये उनका दर्द था। जब ये रिलीज़ हुआ, कितने करोड़ों लोग सेम सिचुएशन से गुजर रहे होंगे कि मतलब कि होगा लाइफ में उनका कि ये प्रॉब्लम हुई होगी, उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की होगी, तो सेम सिचुएशन से। तो इसलिए ये सॉन्ग से बहुत ज़्यादा ही लोग रिलेट कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक एक जो लाइन है, एक एक लाइन
इतनी इमोशनल है, इतनी हार्ट टचिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना अच्छा लगा ये सॉन्ग। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि भले इंडिया में पाकिस्तानी सिंगर बैन कर दिए गए हों, बट उन्होंने अपने सॉन्ग से और अपने ड्रामे से इंडिया के हर बंदे जो जो भी पाकिस्तान के सॉन्ग और ड्रामे देखता है उनके दिल में बहुत 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 गहरी जगह बनाई, जिसमें से एक मैं भी हूँ। क्योंकि मुझे पाकिस्तान के सॉन्ग्स और वहाँ के जो ड्रामे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। लेकिन इस सॉन्ग की बात ही अलग है। मतलब उस इंसान की मतलब आवाज़ में इतना दर्द, इतनी दर्द, और वो अपनी सारी चीज़ें उससे जाहिर कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, बस ये है। और लास्ट में मैं एक बात और कहूँगी कि इस सॉन्ग में ये है कि बिना मतलब के कोई भी बीट्स नहीं है, अननेसेसरी कोई भी एक्स्ट्रा म्यूज़िक नहीं है, जिस वजह से ये खूबसूरत और भी ज़्यादा हो गया है। मतलब ये सॉन्ग उनमें से एक है कि इंसान बस अकेले बैठ के ये सॉन्ग सुने, सुकून से सुने। मतलब ज़्यादा अब मैं जिस तरह की इंसान हूँ, मुझे वो सब गाने नहीं पसंद है जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो। मैं बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद करने वाली हूँ, तो लाउड म्यूज़िक नहीं। तो इस वजह से ये एक तो इमोशंस उसके साथ इतनी स्मूथ तरीके से सॉन्ग गाया गया है, और इसको जो जिस तरह से कंपोज किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं जो हूँ फ़ैन हो गई हूँ, मैं तो फ़ैन हूँ, मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं तो फ़ैन हूँ इस गाने की। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको आपको भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना मत भूलना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर देना जो भी नए लोग हैं। और मैं और हाँ, इस सॉन्ग की एक खासियत है, सॉन्ग को सुनने के बाद ये लग रहा था कि अरे अरे ख़त्म नहीं हो, ख़त्म नहीं। मतलब अगर ये सॉन्ग 10 घंटे तक भी चले ना तो मैं सुनती रहूँ, इतना मुझे पसंद है। ये 3 मिनट के सॉन्ग में इतना ज़्यादा इंसान कनेक्ट कर पा रहा है, और इतना लंबा सॉन्ग है मैं सुन लूँगी क्योंकि इतना अच्छी लिरिक्स है सारी चीज़। आपको किसी और तरीके के रिएक्शंस देखने हो तो आप हमको रिकमेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में, हमारे इंस्टा आईडी पे मैं उसको उसका लिंक डाल दूँगी, तो मैं ज़रूर उस पर रिएक्ट करूँगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।